हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और फिलहाल अभी हम पहुंचे हैं छपरा जंक्शन पे और कहाँ जा रहे हैं पता चल गया होगा टाइटल से। और स्टार्टिंग में सुबह से 10 बजे से निकले हुए हैं, लखनऊ से निकले ट्रैवल कर रहे हैं। मैं सोचा था स्टार्ट करेंगे ट्रेन में पहुँचने, फिर मैंने सब खाया पिया सो गए, फिर सोचा कल स्टार्ट करेंगे, फिर लेकिन यहाँ रुके हैं, सोचा स्टार्ट कर ही देते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कैमरा वगैरह। तो फाइनली बोएगांव स्टेशन पे आ चुके हैं आसाम में। और अभी क्या टाइम हो रहा है, टाइम पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो बोएगांव स्टेशन पे आ चुके हैं अभी फ़िलहाल। और हमारा जो कोच है ना सबसे लास्ट में, हमारे कोच के पीछे सिर्फ दो ही डिब्बे हैं, एक एसी बोगी है और उसके बाद गार्ड की बोगी है। और इतना टाइम वेस्ट, कहीं जिस स्टेशन पे रुक रही वहाँ कुछ नहीं मिल रहा हमें, ना पानी ना कुछ, हर चीज़ आगे साइड है हमारा, एकदम ट्रेन के पीछे लंबी ट्रेन है। और सबसे बड़ी ख़राब चीज़ इसमें ये लगी पेंट्री कर नहीं है। फाइनली अभी कुछ खाने को मिल तो गया, छोले और दूरे छोटे साइज के, तो लेते हैं थोड़ी बहुत, पेट पूजा करेंगे फिर निकलेंगे। धूप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, ये एक्सपोजर ना बहुत ज़्यादा आ रहा होगा मेरे चेहरे पे, आँखें खुल नहीं रही, और इधर कर लिया तो चेहरा डार्क हो जाएगा। अब मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा है कि कोई रेलवे स्टेशन है जो ब्रिज के ऊपर है। अब मेरे पीछे देख लो, ये ब्रिज के ऊपर है और काफ़ी यूनिक लगा हमें ये। हमसे 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी मेरे इस साइड में ब्रह्मपुत्रा नदी बह रही। फाइनली पहुंचे अभी हम कामाख्या जंक्शन पे। और इधर क्या है, अभी सीट प्लेटफॉर्म जो लास्ट प्लेटफॉर्म है उधर से निकल के मंदिर पे जाएंगे। और प्लान में थोड़ा चेंज हुआ है क्योंकि इस समय हमने पहले सोचा था कि टाइमली पहुंच जाएंगे दर्शन करेंगे, बट अभी क्या है टाइम पे न पहुंचने की वजह से दर्शन में काफ़ी लेट हो गया है। और इस समय दर्शन का पॉसिबल नहीं है, तो अभी सिर्फ जाके होटल लेंगे और कल निकलेंगे शिलांग। कहीं भी जाने के बाद जो सबसे पहला काम होता है ऑटो के लिए बार्गेन करना, वो हो चुका है स्टार्ट, पापा कर रहे हैं ऑटो के लिए बार्गेन। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कामाख्या मंदिर के पास, पास में ही है कहीं, और अभी सब हम इंतज़ार कर रहे हैं होटल्स देखने के लिए। तो पापा और चल गए होटल वगैरह देखने के लिए, और हम यहाँ सामान की रखवाली कर रहे हैं तीन जन। मेरे साथ है पुलकित भाई, भाई तेरा नाम मैं फिर भूल गया सॉरी, सुमित, शोभित, पुलकित और शोभित हैं आज हमारे साथ। और हम तीन कर रहे हैं सामान की रखवाली, और मम्मी और आंटी लोग वो निकल चुकी है अपना मार्केट देखते ही, जैसा लेडीज़ लोग जहाँ भी होता निकल लेते हैं ना सामान के लिए, वो निकल चुके पूरी तरह। सो अभी रूम वगैरह लेने के बाद सामान वगैरह शिफ्ट करा, नहाया तो नहीं इस टाइम क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी, और चाय वगैरह पी लिया। अब सब फ्रेश किया, सबने फ्रेश हुए थे, वापस आके चाय वगैरह पिए। पापा और अंकल गए कल शिलांग के लिए गाड़ी वगैरह देखने, और अभी हम जा रहे हैं मार्केट में, ऐसे ही गेड़िया मार रहे हैं, मार्केट घूमते हैं आसपास का जो भी मार्केट है वो मार्केट घूमेंगे और देखेंगे क्या क्या है एक्चुअली मंदिर के आसपास का मार्केट जो है उसमें। सो फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर का जो कैंपस है उसमें, और पीछे आप देख सकते हो मंदिर है। फिलहाल शाम का टाइम हो गया तो मंदिर तो बंद हो गया, लेकिन पीछे कुछ भजन वगैरह चल रहा है और काफ़ी लंबी लाइन लगी, किस चीज़ की लगी वो पता चलेगा। और ये पीछे की देख सकते हो बैठने के लिए क्या मस्त जगह बनाई, इधर बैठ के आराम से आप मंदिर में ध्यान लगा सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो, तो बैठने की तगड़ी व्यवस्था है। आगे चल के देखते हैं किस चीज़ का भजन वगैरह चल रहा है। ये जो है मंदिर है, और ये पूरा मंदिर है देख सकते हो, और एंसेंट मंदिर जो है वही है, ये सब तो मेरे को लगता है बाद में बने हैं, पीछे वाला जो है वही असली मंदिर है देख सकते हो। भजन शाम की आरती या भजन जो भी था वो हो रहा था, और मंदिर पूर्ण रूप से बंद होने से पहले शायद दर्शन के लिए लोग लाइन में लगे। सो फाइनली अभी निकल चुके हैं हम शिलांग के लिए, मॉर्निंग का टाइम है, और सब ने उठे नहाया वगैरह, चाय वगैरह पीने के बाद सब गाड़ी में बैठ चुके हैं,
और निकल रहे शिलोंग की तरफ। रास्ते में काफ़ी मज़ा आने वाला है और पहुँच के तो खैर मज़ा आने ही वाला है। पेट्रोल पंप तो देखो, पहाड़ को काटा और बीच में पेट्रोल पंप बना दिया। सो अभी पहुंच चुके मेघालय में, जस्ट रुके हैं एक हाईवे वाले ढाबे पे, क्योंकि हमारे साथ जो ड्राइवर भी है वो उनको लगी है भूख, और भूख क्या चाय की तरह। हम तो सुबह सुबह पी के निकले थे, तो काफ़ी बढ़िया है। चारों तरफ जंगल, नारियल के पेड़, नारियल है ना वो, ये बाबा नारियल है, ताड़ है, सुपारी का पेड़, सुपारी का पेड़, नारियल भी नहीं सुपारी का पेड़। काफ़ी लंबे लंबे, पहली बार देख रहा हूँ मैं भी सुपारी का पेड़ लाइफ में, पहली बार। काफ़ी बढ़िया थी जंगलों पहाड़ों के बीच में ट्रैवल करना, मस्त। आगे की सीट मिली है वो गजब थी, मिले यार सब कुछ फ्रंट से देखने को मिल रहा। वॉर्ड लेक, ये मतलब 1856 का समथिंग में बना था, और सबसे बढ़िया यहाँ का ये रहा, इधर लोग खासी जो ड्रेस, जो लोकल ट्राइब है खासी, उसकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसमें पहन के लोग फोटोग्राफी ले सकते हो। तो अभी पहुँचे हम एलिफेंट वाटरफॉल पे, और टॉप है भाई नीचे है, दो फ्लोर है। अभी तीन स्टेप का ये वाटरफॉल है, तो इसको एलिफेंट वाटरफॉल बोलते हैं। तो जो फर्स्ट फेज फर्स्ट फॉल था उसको देख लिया, अब सेकंड देखने जा रहे हैं, उसके बाद और नीचे जाएंगे थर्ड देखने के लिए। हमने सोचा था यहाँ के नहाने का होगा, लेकिन यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है नहाना, और इधर आके अलग ठंड लग रही है। ठंड जो माउंटेन पे जब चढ़ रहे थे तभी स्टार्ट हो गए, तब से तभी मैंने स्लिप्स को खोल लिया, खोल कर लिया। ये ऊपर से आ रहा फर्स्ट फॉल, इसके ऊपर है ये सेकंड फॉल, आई थिंक यही सेकंड फॉल है, और इसके नीचे थर्ड फॉल है। ये स्टेप में थ्री स्टेप की फॉल है, और ये देखो ये जा रहा नीचे फॉल, और नीचे बोटिंग भी हो रही सबसे बड़ी बात। और ये छोटी सी जो केव मिली मुझे, केव के अंदर ये सेकेंड वाटरफॉल, छोटी सी केव है, एक जन दो तीन जन खड़े होने के लिए, और उसके बाद काफ़ी बेहतरीन वाटरफॉल लग रहा है यार। मन तो कर रहा पानी में चले जाओ, पर ठंड बहुत ज़्यादा है, इसे तो बिना पानी में गए इतनी ठंड लग रही। नीचे पानी में जाने के बाद क्या हाल होगा, गिम्बल वगैरह मैं गाड़ी में रख के आया था, मुझे पता था पानी वगैरह है, भीगेगा सारा पैसा बर्बाद। और क्या खूबसूरत है, वो क्या ही खूबसूरत है, और नीचे तक मतलब ये ब्यूटी यार देख के, ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और इधर आके रहे क्या मजा आ रहा, देखो मतलब पीछे देखो वाटरफॉल, और एकदम पानी थोड़ा सा अगर वाटर लेवल बढ़ जाए ये सब डूबेगा, और आगे भी गया ये मतलब वाटरफॉल यही ख़त्म होता है, थर्ड फॉल है। और तो सब फोटोज ले रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, एक बोटिंग का भी है, 50 पर हेड ले रहे हैं चार्जेस का। मैं सोच रहा हूँ वो कल वाटरफॉल तक लेके जाऊँगा, और फोन पे रिकॉर्ड जरूर करेंगे इस चीज़ को,
तो मतलब वर्थ इट राइड आना। मेरे को पहले थोड़ा मूड ख़राब हो गया था गाड़ी में घूमते घूमते कि कोई अच्छी जगह नहीं मिली थी लॉन्ग में, बट इधर आके वर्थ इट रहा। तो बोट में आके एकदम वाटरफॉल के पास, क्योंकि पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है नहीं, काफ़ी तेज बोल रहा हूँ, और एक साइड देख लो पूरा भीग चुका हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी नज़दीक चले गए थे हम बोट को लेके। वाटरफॉल पूरा पानी ऊपर से नीचे भीग चुका हूँ मैं, और अभी हम उसके आसपास ही मंडरा रहे हैं, और उसके काफ़ी मज़ा आया। अभी सामने से वापस ले गए, सीधा एकदम स्ट्राइक करेंगे। तो ये रहा कुछ वाटरफॉल, चलो आगे। नज़दीक से आने में ना अलग ही क्रेज़ है, उतर के नीचे जाने और वहाँ इंजॉय करने में जो मज़ा आया उसका जस्ट अपोजिट इधर फील हो रहा ना जब वापस चढ़ते हैं। एक तो मन नहीं करता, प्लस इतनी खड़ी चढ़ाई है, उतरते टाइम नहीं पता चलेगा लेकिन चढ़ते टाइम हालत ख़राब हो जा रही सकती है। मैं तो फटाफट आ गया सेकेंड फॉल के पास, नीचे देख सकते हो, लेकिन अभी सबके सब अभी नीचे ही हैं, कुछ आधे सीढ़ियों पर पहुँचे हैं, कुछ तो अभी स्टार्टिंग पे ही हैं, तो फटाफट ऊपर पहुँचेंगे फिर आगे की जर्नी कम्प्लीट करेंगे, क्योंकि शिलांग के लिए आज हमारे पास सिर्फ इकलौता एक ही डे है। तो अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं एयरफोर्स म्यूजियम में, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है, एक से बढ़िया चीज़ें दिख रही हैं। और यहाँ ऐसा सीन है कि बाहर साइड मतलब म्यूज़ियम के बाहर आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, लेकिन म्यूज़ियम के अंदर आप वीडियो फोटोग्राफी कर सकते हैं। गन जो मुक्ति वाहिनी यूज़ करती थी, जो बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी थी मुक्ति वाहिनी से ना, उसको ट्रेनिंग के लिए जो गन दी गई थी वो यहाँ पड़ी है। एयर टू एयर मिसाइल्स 23 कैलिबर, कैलिबर कह रहा कैनन। और ये जो गन, ये अलग गूज़बम्प्स देख रही, कितनी हैवी गन है ये, इसको उठाने के लिए दो जन लगेंगे, इतनी बड़ी गन है ये। और आगे बढ़ने पर ना इधर मेघालय, आसाम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, जो सेवन सिस्टर्स हैं ना उनकी जो चीज़ें हैं, जो नेटिव चीज़ें हैं उनको दिखा रखा है। और सामने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो इधर के साइड में यूज़ होती हैं वो सब दिखा रहे हैं। म्यूज़ियम से बाहर निकलने के बाद ये अब हम जा रहे हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, और एयरक्राफ्ट में जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उसके अंदर। तो ये भाई पीछे का ये पूरा सीन है, ये होता है, तो पूरा एकदम पतली शीट लग रही, मतलब ये एयरक्राफ्ट है मिलिट्री का, मतलब मॉडल भी हो सकता है कोई, नॉट श्योर, मॉडल ही है। कॉकपिट, क्योंकि इतना छोटा तो कॉकपिट मेरे को नहीं लगता होगा, वो भी बॉक्स नुमा इस तरह से। तो इसी एयरक्राफ्ट में से अभी जस्ट मैं बाहर निकला, और सामने मेरे है इस्क्रा। ये क्या है, मतलब एक वो क्या कहते हैं, छोटा फाइटर जेट है, देख छोटा क्या, बड़ा साइज, काफ़ी बड़ा यार, फाइटर जेट है, टू सीटर फाइटर जेट है।